कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया है। आज के वीडियो में देखेंगे एक बार डीजल में पानी जाने के बाद कितना खर्चा आता है और कैसे क्लीन करना है पानी जाने के बाद डीजल में। एक बार दिखाता हूँ मशीन, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखो ये डीजल टैंक से पूरा डीजल निकाला है नीचे, इसमें भी डीजल है और यहाँ पे नीचे की तरफ पानी है पूरा। ये देखो इसके अंदर एक तो कचरा है और पानी है। ये प्राइमरी फिल्टर, इसका 1300-1350 कीमत है कंपनी का ओरिजिनल, और ये है सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं इसको। ये भी जेन्युइन कंपनी का लेंगे तो 3100-3200 इसका भी कीमत आएगा। ये देखो इसमें भी पूरा पानी है, मड है अंदर। ये पूरा नीचे थोड़ा दिखेगा नहीं, यहाँ पे निकला है, ये वाटर सेपरेटर के अंदर का निकला है। ये पूरा डस्ट है पानी के साथ। ये देखो इसके अंदर का है वो। मैंने भी कभी देखा नहीं इतना गंदा। ये पूरा मटेरियल है इसके अंदर, देखिए मटेरियल निकल रहा है। और ये भी सादा वाला फिल्टर डाला ना आपने, सादा वाला डाला इसके लिए, कंपनी का डालते ना चलता ही नहीं। क्या बज रहा है अंदर, माल मटेरियल निकल रहा है। तो इस केस में वैसे तो अगर इतना पानी और मोड़ा अंदर चला जाता है तो ये दो डीजल फिल्टर चेंज करना चाहिए, और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए लगभग इसका 3100, इसको 1350-4500 रुपये खर्चा आता है, और फिर इसे तो क्लीन करके डाल सकते हैं आप। और यहाँ से हवा मार के या टैंक के अंदर भी बहुत कचरा है, ये देखो इसे भी क्लीन करना चाहिए कपड़े से पोंछ के या हवा मार के या पानी से, लेकिन बाद में ड्राई होना चाहिए डीजल डालने से पहले। यहाँ पे इतना करने के बाद अगर ये करते नहीं हो आप तो आपका ये FIP भी फेल हो जाएगा, इसका काम निकलेगा। ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप, हाँ पंप का काम निकलेगा तो लगभग 20-25 हज़ार खर्चा आता है, कम से कम 25 हज़ार। फिर नोजल खोलना पड़ेगा तो भी खर्चा बढ़ जाएगा। तो बस पानी जाने के बाद इतना खर्चा आता है, ये सब प्रोसीजर करना पड़ता है। अब डीजल टैंक क्लीन करके हम उसमें नया डीजल फिल करेंगे, बस इतना ही। और हो सके तो फिल्टर नया डालेंगे अगर इन्होंने अवेलेबल करके दिया जल्दी से, तो नहीं तो इसे ही क्लीन करेंगे। इमरजेंसी में क्लीन करके बिठा सकते हैं, बट मैं रेकमेंडेड करूँगा आपको चेंज करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।